इसमें हर्जी क्या है, इसमें हर्जी क्या है, डांस ही तो किया है. एंड येट दिस गर्ल हु डांस्ड इन अ वीडियो ऑन टिकटॉक मेड 2 crore rupees. चाहे वो पार्टी हो रही है वाला वीडियो हो, चाहे वो इस तरह का कोई वीडियो हो, या कोई भी और हो, किसी बंदे ने कुछ भी कह दिया, छोटा मोटा फजूल सी बात होगी, उसको आपने वायरल करके वो बंदे को कहां से कहां पहुंचा दिया. एक टिकटॉकर लड़की है जिसने कोई अपेरेंटली कोई डांस किया है, कोई वीडियो बनाया किसी गाने के ऊपर, और वो गाना जो है वो वायरल हुआ. फिर वो एक हमारी है एंकर पर्सन निदा यासिर जो है, उनके शो पे वो आई. मगर तुम माशाल्लाह अकेली गई स्टेज, तो तुम कॉन्फिडेंट हो पहले से. फिर मुझे एक मीम शेयर हुआ, पता नहीं मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाए, कि जिसमें लिखा हुआ था कि HEC ने कहा है कि जी 4000 हमारा जो PhDs हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, एंड येट दिस गर्ल हु डांस्ड इन अ वीडियो ऑन टिकटॉक मेड 2 crore rupees. Allegedly, एक रिसेंटली ना एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी एक वीडियो शेयर किया था अपने पता नहीं किसी प्लेटफॉर्म पे, somebody shared with me, जिसमें एक बाप और बेटी डांस कर रहे थे और लिखा हुआ था क्यूट फादर डॉटर डांस एट सम काइंड ऑफ वेडिंग. ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम लोग क्यों, चाहे बाप के साथ ही करिए, लड़की और बहुत कोई बच्ची, छोटी बच्ची नहीं है, शी नॉट अ बेबी राइट, वो जो डांस हो रहा है सारा कुछ हो रहा है, व्हाई आर वी ट्राइंग टू ग्लोरीफाई कि हम अपनी बच्चियाँ नचाएं. हम कहते हैं हम आश्के रसूल हैं, हम कहते हैं हम अल्लाह के मानने वाले हैं. अल्लाह सुब्हान तआला इरशाद फरमाते हैं कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नबी की इत्तिबा करो, नबी की पैरवी करो. क्या ये नबी का तरीका है ये जो हम दिखा रहे हैं? यानी वो जो हज़रत फातिमा के बारे में हम कहते हैं जिनको अपनी हया की इतनी फिक्र थी, हज़रत आयशा के बारे में कहते हैं, यानी उम्महातुल मोमिनीन के बारे में बात करते हैं, ये वो औरतें हैं जिनको अपनी हया का इतना था. अब हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ, मुसलमानों की बच्चियाँ, वो बच्चियाँ जिनके नाम भी ऐसे होंगे कि किसी का आयशा होगा, किसी का फातिमा होगा, किसी का ज़ैनब होगा, इन लड़कियों को हम TV पे लाएं, इनको हम टिकटॉकर बनाएं, इनको हम कहें कि जी आप इंस्टाग्राम मॉडल बने, आप अपने आप को डिस्प्ले करें, इस तरह से करें, एंड पीपल थिंक इट्स ओके. मतलब मुझे इस बात पर भी हैरत है कि जो लोग कहते हैं इसमें हर्जी क्या है, इसमें हर्जी क्या है, डांस ही तो किया है. तो चलो यार, डांस आपने किया, आपने पूरे मजमे के सामने किया ना, वो चलो अब्बा जान आपके साथ है या कोई और, अब चले आपका महरम अगर आपके साथ घर में, चलो वो बात है, ठीक है, उसको फिर शायद हम एक्सेप्टेबिलिटी में ले जाएं, बट दिस इज आउट एंड ब्रॉड. इन लोगों को ना मोरालिटी का वो समझाने के लिए पता क्या करना चाहिए, इनको ये कहना चाहिए कि आप बताएं कि उन्होंने डांस कपड़ों में क्यों किया, थोड़े कपड़े क्यों उतारे, पूरे कपड़े क्यों नहीं उतारे मिसाल के तौर पर, फिर ना उनका वो चीज जागेगी एकदम से कि नहीं नहीं वो तो गलत होता है, पूरे कपड़े उतारना तो गलत होता है. अच्छा ये गलत का मियार आप कहाँ से लाए? लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिन. ये गलत का मियार जो आपने स्टॉप लगाया ना कि डिसेंट कपड़े पहन के, जो अपेरेंटली कपड़े हो डिसेंट लग रहे हैं, जो आपको डिसेंट लग रहे हैं, बाल खुले हुए हैं, टाइट लिबास है, और आपके स्टेप्स क्या क्या है, सही, यहाँ तक आपने स्टॉप लगाया है, आपका दीन यहाँ स्टॉप नहीं लगा रहा. स्टॉप इससे पहले लगा, बहुत पहले स्टॉप लगा रहा है. वेस्टर्न वर्ल्ड की इलीट लड़कियाँ जो कि शायद अमेरिकन ड्रीम भी लिव कर चुकी हों, उनको इस्लाम का पता चलता है, वो इस्लाम कबूल करती हैं, अपने आप को कवर करती हैं, इस्लाम की ट्रू वैल्यूज को पहचानती हैं, इस्लाम ने एक वुमेन की बॉडी को क्या स्टेटस दिया है, मॉडेस्टी और उसको उसकी मॉडेस्टी की हदों को पहुंच जाती हैं, ठीक है, और अपने आप को कवर करती हैं. और यहाँ हम बॉर्न मुस्लिम्स जो हैं, हम अपने कपड़े उतारने पर जो है ना वो तुले हुए. बहुत बड़ी गलत फहमी है हमारे पाकिस्तान के मुसलमानों में और औरों में भी, भाई वो तो फैमिली है, फैमिली में सिर्फ किया हमने, उसने फैमिली में किया, फैमिली की में तो कोई मसला नहीं, हमें पता ही नहीं है, हम कुरान नहीं पढ़ते और इतने भूले बसरे हैं हम कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कोई लिमिट्स लगाई हैं बड़ी क्लियर. एक एक रिश्ते का नाम लेके सूरह नूर आयत नंबर 31 को पढ़ें, अल्लाह तआला ने जो इतना बिजी है और इतना किंग ऑफ द किंग्स है और खालिक है, इतनी वो उसको क्या जरूरत पड़ी एक एक रिश्ते का नाम लेने की. यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने नाम लिया कि जो आपकी हस्बैंड की दूसरी वाइफ से जो बेटे हैं वो भी आपके महरम है, यहाँ तक अल्लाह तआला ने बताया. क्या जरूरत पड़ी अल्लाह तआला को, अल्लाह ने वहाँ लिमिट्स लगाई हैं. वो जो फैमिली है, फैमिली में लिमिट्स हैं. दो बंदे जो आपस, दो बंदे यानी मर्द और औरत जो आपस में शादी करने के काबिल हैं, अल्लाह ने उनको नामहरम करार दिया है. ये भी एक बड़ी कन्फ्यूजन हमारे यहाँ पे फैली है, फैमिली 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 में क्या होता है. मैं इस बात पर हैरान हूँ और परेशान भी हूँ कि हम, हमारे रोल मॉडल्स कौन लोग हैं. देखिए हर बंदा, हर बंदे में ना अच्छी क्वालिटीज भी होती हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किस क्वालिटी को आप उठा रहे हो. बिल्कुल. देखो मतलब किस क्वालिटी को आप ऊपर लेके आ रहे हो, किस क्वालिटी को आप टीवी पे लेके आ रहे हो, किस क्वालिटी को आप बता रहे हो कि ये बाय से फखर बात है. यानी क्या अब हम अपने आप को ये करें कि बस नाचो और पैसे कमाओ, नाचो और पैसे कमाओ, मतलब हम कौन लोग हैं यार.
हम बस नाचने गाने वाले हैं। यानी सो मच रॉन्ग इज हैपनिंग एंड सो मच मोर रॉन्ग इज कमिंग आवर वे एंड स्टिल वी आर नॉट वेकिंग अप। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि जो चीज़ मुझे बहुत डराती है ना, वो ये है कि अगर हमारे इस माशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं और हज़रत फातिमा आ जाएं और हज़रत आयशा आ जाएं, हज़रत खदीजा आ जाएं और वो हमारे ये प्रोग्राम्स देखें, निदा यासर के शो पे वो आएं, ठीक है, वो देखें ये क्या हो रहा है, वो देख, तो मुझे बताएं वो खुश होंगे या उदास होंगे, उनको गुस्सा आएगा ये सब कुछ देख के या खुशी होगी।